किसी को बर्बाद करके कैसा लगता है, कैसा फील होता है, क्या खुद में तुम्हें प्राउड महसूस होता है? सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो ऊपर वाला जल्दी से आपकी ज़िंदगी को अच्छा कर दे, आपको खुश कर दे। मैं यही दुआ कर सकता हूँ आपके लिए फ़िलहाल तो, और मैं भी आप लोगों से दुआ की उम्मीद रखता हूँ। ऊपर वाला मुझे भी ठीक कर दे जल्दी से, क्योंकि मैं भी एक जोन से गुजर रहा हूँ जो बहुत तकलीफ दे है, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक ऐसे जोन से मैं भी गुजर रहा हूँ। एक 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 चीज़ है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसी चीज़ का मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिखा है। वो छोटा सा हिस्सा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अच्छे से वो चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करनी है, आप लोगों से जाननी है, इसलिए लिखा है। वरना अदरवाइज मैंने अब तक जितनी भी वीडियो की है बिना लिखे बिना सोचे समझे जो दिल में आया वो बोल दिया। आप लोग मेरे चेहरे से, और मैं ये जो फरवरी के महीने में, आज 21 फरवरी है, और कैप लगा के, इससे पहले मैंने जैकेट भी पहनी थी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से, तो मैंने लिखा है कि ये बेवफा लोग कैसे होते हैं? क्या आप लोगों ने कभी किसी के साथ बेवफाई की है? अगर तुमने किसी के साथ बेवफाई की है तो तुमसे और उस हर बेवफा इंसान से मेरा एक सवाल है, किसी को धोखा देकर तुम्हें खुद को कैसा फील होता है, कैसे तुम खुद को खुश कर लेते हो, और एक इंसान को जीते जी तुम मार देते हो, एक इंसान का जीना तुम मौत से ज्यादा मुश्किल कर देते हो। उस इंसान को मौत आसान लगती है जीने से ज़्यादा। तो मेरा यही एक सवाल है यार, धोखा करके कैसा लगता है? यार तुम लोग जो प्यार के नाम पर किसी इंसान की ज़िंदगी का, उसकी खुशियों का, उसके ख्वाबों का हिस्सा बनते हो, और एक दिन अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में एक मजबूरी आती है, एक चीज़ हो जाती है, और तुम उस इंसान को छोड़ देते हो, उस इंसान को तन्हा छोड़ देते हो, एक जिंदा लाश की तरह। यार ये चीज मुझे खाई जा रही थी, तो मैंने इसी को कुछ लिखा है कि जब एक इंसान की जिंदगी में तुम प्यार के साथ शामिल होते हो, उसकी जिंदगी को प्यार के नाम पर अपने हिसाब से चलाते हो, उस इंसान को अपनी आदत लगाते हो, उस इंसान को अपने प्यार पर इतना यकीन दिलाते हो कि वो इंसान तुम्हारे साथ अपनी पूरी दुनिया बसा लेता है, वो इंसान तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से रिश्ते खत्म कर देता है, उस इंसान की सुबह का पहला ख्याल बन जाते हो तुम, उस इंसान की रात का आखिरी ख्वाब बन जाते हो तुम, उस इंसान के हर सवाल का जवाब बन जाते हो, उस इंसान के दिल की धड़कन बन जाते हो तुम, उस इंसान की ज़िंदगी में तुम इस तरह से शामिल होते हो कि तुम्हारे जाने से वो इंसान बिखर के रह जाता है, तुम्हारे जाने से वो इंसान इस तरह टूट जाता है कि वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता, फिर कभी अपने आप को समेट नहीं पाता, खुद को इस तरह से खो देता है कि ना वो जी रहा है, ना वो मर रहा है, वो खुश है, वो दुखी है, उसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है, बस सांस चल रही है तो चल रही है। तुम लोगों को एक इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें करने के बाद एकदम से कैसे रियलाइज़ होता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, इस इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है, और तुम उसे धोखा देते हो, तब तुम्हें कैसा फील होता है? कैसा फील होता है यार एक इंसान को धोखा देकर? तुमने तो धोखा दिया है ना, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि कैसा फील होता है। मेरे को जानना है कैसा लगता है जब एक इंसान की खुशियों का तुम हिस्सा बनते हो, जब जब एक इंसान की खुशियों का तुम हिस्सा बनते हो। अगर तुम नहीं होते उस इंसान की जिंदगी में, तो उसकी खुशी वो हजारों लोगों के साथ शेयर करता, उनके साथ खुद की खुशियों के साथ खुश होता, उनके साथ खुश होता, मगर तुम्हारे उसके ज़िंदगी में आ जाने से उसकी खुशियाँ, उसके गम तुम तक सीमित रह गए, उसका सब कुछ तुम बन गए। यार उस इंसान की आने वाली हर खुशी
हर गम तुम पर शुरू और तुम पर खत्म हो गया तो यार तुम्हें कैसा लगता होगा? उस इंसान को धोखा देकर कैसा फील होता होगा तुम्हें, उस इंसान को धोखा देकर? एक इंसान की मेरे को लिखा हुआ तो कैसा लगता है जब एक इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं अपने लिए, वो अपने ख्वाबों की दुनिया में होता है और सडनली तुम उसकी जिंदगी में प्यार का कटोरा पकड़ के आ जाते हो, उस इंसान को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देते हो और वो इंसान भी तुमसे प्यार करने लगता है एंड सडनली तुम आकर उसके ख्वाबों को बदल देते हो। वो अपने थोड़े बहुत ख्वाब छोड़कर जिनके लिए वो आज तक जी रहा था, तुम्हारे साथ एक अलग ख्वाबों की दुनिया बना देता है, एक अलग जोन में चला जाता है। यार कैसा लगता है धोखा देकर, क्या फील होता है? क्या जिंदगी वैसे ही चलती है तुम्हारी जैसे उस इंसान के साथ चल रही थी जब तुम किसी को ये कहते हो कि यार तुमसे बात किए बिना मेरा दिल नहीं लगता, मैं परेशान रहता हूं, तो अचानक से तुम्हारा बदल जाना, उस इंसान की तरफ मुड़कर फिर कभी ना देखना, तब कैसा लगता है? एक इंसान तुम्हारे लिए इतनी चीजें करता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि किसी के लिए ऐसी ऐसी चीजें करेगा सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, क्योंकि उस इंसान को तुमसे प्यार हो गया है और तुम उसे मजबूरी का बहाना या कोई भी एक्स वाई जेड, तुम्हें ये अच्छा एक टॉपिक होता है कि एक यार तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा, यार उसके लिए तो तुम ही सब कुछ थे, तुम में ही वो अपनी पूरी दुनिया देख रहा था एंड तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुमसे अच्छा उसे चाहिए? और जाते जाते तुम लोग कहते हो कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना, मेरे लिए अपना ख्याल। यार तुम दिल का कत्ल कर रहे हो, तुम इंसान को जीते जी मार रहे हो एंड फिर जीने की दुआ भी दे रहे हो। कैसा लगता है यार धोखा देकर, किसी को बर्बाद करके कैसा लगता है, कैसा फील होता है? क्या खुद में तुम्हें प्राउड महसूस होता है? क्या खुद में तुम्हें लगता है कि यार हाँ कुछ किया है हमने? एक इंसान के चेहरे पे उदासी हमेशा के लिए रह जाती है, भले ही वो लोगों के बीच मुस्कुराए, मगर फर्क ही नहीं पड़ता यार उन चीजों से, क्योंकि वो तो अंदर से टूट गया है। यार सोचो, यार सोचो इस चीज को कि एक इंसान के चले जाने से अगर मर जाए वो इंसान तो सब्र भी आ जाए, पर वो जिंदा है, किसी और के साथ है, कभी हमारे साथ ख्वाबों की दुनिया बनाई थी और फिर वो सब कुछ तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के चला गया। आई डोंट नो कैसी फीलिंग होती होगी, मेरे को जानना है, प्लीज कमेंट करके बताना, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। अगर तुमने किसी को धोखा दिया है और तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने बहुत इनाम का काम किया है, तो यार मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहीं पे आता है नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में, मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके बताना कि तुम्हें धोखा देकर कैसा फील होता है। मेरा सवाल है ये हर उस इंसान से जो किसी ना किसी के साथ धोखा करके आया है, प्लीज बताना जरूर। एंड थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी बेचैनी को समझने के लिए। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।